पिछली बार से हम तुलना करें कि पिछली बार बीएड प्राइमरी से आउट हुआ था तो आयोग ने एक संकेत दिया था कि यही इसी तरह का नोटिस जारी हुआ था और कहा गया था जिन लोगों ने बीएड किया है और डीएलएड किया है और बीएड अपलोड किया है वो डीएलएड अपलोड कर दें। उसी टाइप का भी इस बार भी लेटर जारी हुआ कि जिनका एनआईओ से डीएलएड है और बीएड है तो अपना बीएड का अपलोड कर लें, एनआईओएस का डीएलएड अगर अपलोड कर दिया है तो फिर से बीएड का अपलोड आप कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन मुझे लग रहा है, बाकी वेट एंड वॉच, हाँ भी हम कहेंगे कि एनआईओ से नाराज ना हूँ, वेट एंड वॉच उनको रखना चाहिए कि क्या होगा अभी नहीं होगा। पर पिछले बार से तुलना अगर करें कि जैसे बीएड वाले उनको कहा गया था प्राइमरी में कि आप अपना डीएलएड अपलोड कर दीजिए, वैसे एनआईओएस का डीएलएड कहा गया कि यदि बीएड आप हैं तो बीएड अपलोड कर दीजिए 6 to 8 में, तो ये कहा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर उससे तुलना करें तो ऐसे हिसाब से तो एनआईओएस एक तरह से बाहर ही हो गया, उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है जैसे बीएड का रिजल्ट नहीं आया था फाइनल। जहां तक रही बात भाषा की, आपने पूछा भाषा की अर्हता वाली बात, तो ये नोटिस में रहता है कि नीचे आप पढ़िएगा नोटिस के सबसे लास्ट में, ये तो आयोग जाने कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन नीचे नोटिस में लिखा रहता है कि रैंडम नोटिस में हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा लास्ट में नोटिस के सबसे अंतिम में आइएगा तो नोटिस में लिखा रहता है ये बात कि हम नोटिस में रैंडम कोई परिवर्तन परीक्षा के दौरान हम कर सकते हैं, इसमें लिखा रहता है। अब क्या नैतिक मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन नीचे नोटिस में लिखा रहता है कि भाई रैंडम हम नोटिस में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, तैयार रहिए। शायद वो नीचे वाला लाइन लोग नहीं पढ़ते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ क्यों हुआ ये तो बस आयोग अपना समझे। कई ऐसे लोग थे जिनका 85 मार्क्स था, हिंदी में 8 नंबर आ रहा था, 9 नंबर नहीं आ रहा था, तो उनका तो भाई रिजल्ट होगा, उनका तो बल्ले बल्ले हो गया। हाँ बल्ले बल्ले हो गया, अगर हिंदी का रिजल्ट में अगर क्वालिफाइंग कर देता तो बहुत मेरिट पर प्रभाव पड़ता। मैंने कई बार कट ऑफ में बताया भी है कि हिंदी करेगा बहुत बड़ा तमाशा, हिंदी करेगा क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर वाले लड़के फेल थे उसमें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये आयोग का डिसीजन, इसमें हम कमेंट करना अच्छा अच्छा नहीं समझो। मुझे लगता है कि अगर एनआईओएस बाहर होता है तो 70 ± 2 रखिए वहाँ, मैंने 75 मैक्सिमम। केवल एनआईओएस पिछली बार भी बिहार के बच्चे सारे एनआईओएस ही हैं, 90% कही है टोटल, यूपी बिहार मिला लेंगे तो 60% आता है, वरना बिहार का 90% एनआईओएस से ही है। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कट ऑफ में गिरावट आएगा 6 to 8 में भी, 6 to 8 में भी मुझे लगता है कट ऑफ अब जो मैं बता रहा था 75 सोशल साइंस के अंदर, अब मुझे लगता है कि 70 के आसपास आ जाएगा, 5-6 नंबर का डाउन होगा हर कैटेगरी में कट ऑफ, 5-6 नंबर नीचे आ जाएगा सीधा, और ज़्यादा आ सकता है, मिनिमम बता रहा हूँ कि 5 नंबर कट ऑफ में गिरावट आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हतोत्साहित ना हो, एक अंतिम संदेश मैं देना चाहता हूँ बच्चों से, चाहे एनआईओएस से डीएलएड हो या कोई भी हो, देखिए हम आपके हाथ में कर्म करना है, कर्म करना, और TRE 3 है और आप जब टीचर दे रहे हैं तो मुझे लगता है अधिकांश बच्चों की उम्र 30-32 या उसके नीचे ही होगा,